लगातार होने वाले सड़क हादसों में दो पहिया वाहन चालकों की मौत की वजह हेलमेट नहीं पहनने की वजह से होती है। लोगों को हेलमेट लगाने के लिए चालानी कार्रवाई करने वाली पुलिस अब दो पहिया वाहन चालकों को गांधीगिरी के जरिए हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। जबलपुर में चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट बांधकर ड्राइव करने की समझाइश दी जा रही है और इस काम में पुलिस स्कूली बच्चों का सहयोग ले रही है। जहां हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने वाले लोगों को गुलाब का फूल भेंट कर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, तो वहीं यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को पुलिस और बच्चों द्वारा समझाइश दी जा रही है। गौरतलब है कि 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पुलिस 29वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रही है और इसीलिए पुलिस सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों को जिम्मेदारी के साथ यातायात के नियमों का पालन करने के लिए गांधीगिरी के जरिए प्रेरित कर रही है। हम महर्षि विजय मंदिर विजयनगर के बच्चे हैं। आज हम लोगों के स्कूल के बच्चों ने एक साथ एक रैली निकाली है, जिससे हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी सुरक्षा करना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा करेगा तो ये देश सुरक्षित होगा। जितने भी लोग निकल रहे हैं, जो हेलमेट लगाए हुए हैं, जो जागरूक है, उनकी मदद से हम दूसरे लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। उन्हें हमने गुलाब के फूल दिए हैं और चॉकलेट दिए हैं और इसी से हम पूरे देश के समस्त देश के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं यदि हम खुद की सुरक्षा करेंगे तो हम देश की सुरक्षा करेंगे, अपने परिवार की सुरक्षा करेंगे। हाँ, ये 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 29वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। आज उसी तारतम्य में हमारे महर्षि स्कूल के बच्चों के द्वारा, उनके स्टाफ के द्वारा, हमारे एसपी सर के साथ में ऐसे वाहन चालक जो नियमों का पालन कर रहे हैं, दुपहिया वाहन चालक हेलमेट लगा के चल रहे हैं और कार चालक जो है सीट बेल्ट का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए फ्लावर्स दिए हैं और उनको चॉकलेट खिलाई है। और जो नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं किए हैं, उनको समझाइश दी जा रही है, उनको प्रेरित किया जा रहा है। जबलपुर से ईएमएस टीवी के लिए कमलेश पटेल की रिपोर्ट।